महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का काफिला वाशी स्थित आकर थम गया। वजह ये थी कि उपमुख्यमंत्री के काफिले में दर्जन वाहन सरपट मुंबई की ओर दौड़ते जा रहे थे। उसी वक्त एक डंपर से मुख्यमंत्री के काफिले का वाहन टकरा गया, जिसकी वजह से डंपर चालक को हिरासत में लिया गया। इस दुर्घटना के बाद ट्रैफिक विभाग ने वाहन को अपने कब्जे में लिया। आप देख सकते हैं, ये वही डंपर है जिसकी वजह से मुख्यमंत्री के काफिले का एक वाहन दुर्घटना का शिकार बन गया। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, यही वो वाहन है जो दुर्घटना का शिकार बना। हिरासत में लिए गए आरोपी चालक का नाम है छोटू वीरेन कुशवाहा। इस विषय पर ट्रैफिक पुलिस से हमारे प्रतिनिधि ने बात की, जिन्होंने इतना ही कहा कि ये वही वाहन है जिससे मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अजीत यादव पवार की गाड़ी को ठोकी थी, इसी ट्रक में जो है अजीत यादव पवार की गाड़ी को ठोका था, रिपोर्ट दिया है। वही इस मामले की शिकायत वाशी पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी, जिस पर वाशी पुलिस थाने के वरिष्ठ अधिकारी ने आरोपी के विषय में जानकारी दी, पर ऑन कैमरा कुछ भी कहने से मना कर दिया। गनीमत ये रही कि इस दुर्घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। सुबह 8 बजे की घटना है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार पुणे से मुंबई के लिए रवाना हुए थे, लेकिन इत्तेफाक से वाशी ब्रिज के ऊपर उनके वाहनों के काफिला में एक गाड़ी से दूसरा ट्रक टकरा गया, जिसकी वजह से ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है कि उसने जानबूझकर ठोकर मारी या मात्र दुर्घटना थी। सुबह सुबह का ये घटना है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वही एक वाहन है जो पुणे से मुंबई के लिए रवाना हुई थी, लेकिन इत्तेफाक से ये गाड़ी फिलहाल वाशी पुलिस थाने पहुँच गई है। मैं गोपाल शाह, कर्नाटक TV न्यूज़ के लिए।